जो SBN ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत को जानने से पहले हम परमाणु के बारे में जान लेते हैं। तो परमाणु के बारे में प्राचीन काल से ही मनुष्य ने खूब खोज की, सिद्धांत दिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश की। तो परमाणु होता क्या है? 500 ईसा वर्ष पूर्व, 500 ईसा पूर्व हमारे भारतीय दार्शनिक जिनका नाम है महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु यानी कि पदार्थ को हम टुकड़ों में बांटते जाए तो एक ऐसा कण हमें प्राप्त होता है जिसका और विभाजन नहीं हो सकता, उसे परमाणु कहा। किसने? महर्षि कणाद। ये भारतीय दार्शनिक थे। एक और थे भारतीय दार्शनिक पकुधा काव्यायाम। इन्होंने ये बताया कि इन छोटे छोटे कणों से मिलकर ही पदार्थों का निर्माण होता है। जो पदार्थ बना है वो इन कणों से मिलकर के ही बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये थे हमारे भारतीय दार्शनिक। कई बार पूछ लिया जाता है महर्षि कणाद और दूसरा है पकुधा काव्यायाम। दूसरा है ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व ल्यूटिपस। डेमोक्रिटस व ल्यूटिपस इन्होंने इसे एटम कहा। किसे? परमाणु को एटम कहा। एटम शब्द जो बना है वो ग्रीक शब्द एटोमियो से बना है। ध्यान रहे, एटम शब्द जो बना है, एटम यानी परमाणु शब्द जो बना है, एटम है, वो एटोमियो से बना है, जिसका मतलब होता है न काटा जाने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु जो है उसका और विभाजन नहीं हो सकता। इसको आगे चल करके कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, जिनमें हम पहला सिद्धांत पढ़ते हैं डोल्टन का परमाणु सिद्धांत। डोल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 में डोल्टन जो एक ब्रिटिश अध्यापक थे, इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन निश्चित अनुपात द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था। डोल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन निश्चित अनुपात व द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था। और इन्होंने यह सिद्धांत कब दिया? 1808 में। डोल्टन एक अध्यापक थे। अब जान लेते हैं इनके अनुसार परमाणु क्या होता है। तो देखेंगे पहला कि परमाणु पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई है, यानी परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है।
सूक्ष्मतम इकाई है जिसे परमाणु कहा। दूसरा, यह अविभाज्य कण है, यह अविभाज्य कण है। तीसरा है कि तत्वों के जो परमाणु होते हैं, समान तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आकार, भार व रासायनिक गुणों में समान तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आकार, भार व रासायनिक गुणों में समान ही होते हैं, और असमान तत्वों में या भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भार, आकार व रासायनिक गुणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, लेकिन ना तो उनको बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये बताया था डाल्टन ने, जो अपने सिद्धांत में इन्होंने बताई मुख्य बातें, कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, यानी कि पदार्थ को हम तोड़ते जाए या टुकड़े करते जाए तो हमें एक स्थिति ऐसी प्राप्त होती है जिसका और विभाजन नहीं होता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इसका और विभाजन नहीं हो सकता। तीसरा है कि समान तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में भी समान होते हैं। तीसरा, इसका असमान तत्वों में यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों में जो परमाणु होते हैं वो आकार, भार और रासायनिक गुणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। और लास्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम परमाणुओं को केवल पुनर्व्यवस्थित करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक की जगह दूसरे को बिठा सकते हैं, उनको बना नहीं सकते और उनको नष्ट भी नहीं कर सकते। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट हम देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन, इन्होंने परमाणु का मॉडल बताया कि परमाणु कैसा होता है, क्या होता है। तो इस समय इन्होंने ये 1898 में दिया। कब दिया? 1898। उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है। परमाणु जो होता है वह एक धनावेशित गोला होता है और उसका आकार होता है 10^-10 मीटर, यानी कि 10^-10 मीटर के आकार का धनावेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, तो इन्होंने एक मॉडल बनाया, वो हम देख लेते हैं। इन्होंने इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग रखा, प्लम पुडिंग। यह एक केक की तरह होता है, जो खाने वाला भाग केक है वो पुडिंग हो गया, और इसमें जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लम की तरह है, खाने वाले प्लम की तरह इसमें वितरित है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा। 1898 में दिया, उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। इन्होंने इस परमाणु को धनावेशित गोला कहा, ये गोला, और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे वितरित होते हैं,
इसे ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज की तरह वह बूंदी के लड्डू की तरह भारतीय परिप्रेक्ष्य में तरबूज की तरह या बूंदी के लड्डू की तरह इसको समझा गया है। तो तरबूज की तरह इसको कैसे समझा गया है कि जो तरबूज का खाने वाला भाग है वो धनावेशित है और उसमें जो बीज हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की तरह वितरित होते हैं। तो ये बताया जे जे थॉम्सन ने। इनके परमाणु मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग। अब हम नेक्स्ट लेते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड व उनके शिष्यों ने 1911 में सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कणों की क्या की? बम। अभी अल्फा कण क्या है? अल्फा कण है यहां हीलियम के नाभिक। और इस सोने की जो पतली झिल्ली थी वो कितनी मोटी थी? 10^-7 मीटर या 10^100 नैनोमीटर, इतनी मोटाई की थी ये सोने की पतली झिल्ली और इस पर अल्फा कणों की बौछार की। इस झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की परत बनाई गई या आवरण बनाया गया, वृत्ताकार आवरण बनाया गया, जिससे क्या होता है कि अल्फा कणों की बौछार के बमबारी के बाद ये कण फ्लैश उत्पन्न करें। क्या उत्पन्न करें? फ्लैश उत्पन्न करें, जिससे अल्फा कणों की दिशा का हमें ज्ञान हो जाए। इसलिए ये जिंक सल्फाइड का वृत्ताकार आवरण इसके चारों ओर बनाया गया। अब इनके जो प्रेक्षण थे वो हम देख लेते हैं। इनके जो प्रेक्षण थे ये है सोने की पतली और ये है अल्फा कण जा रहे और इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ। ये वृत्ताकार पथ। अब इलेक्ट्रॉनों यानी कि अल्फा कणों की जब बोछार की जा रही है तो ये इसमें से कई तो सीधे ही निकल जाते हैं, कई विक्षेपित हो जाते हैं और कई इससे टकराकर वापस आ जाते हैं। तुम देखते हैं यहाँ इसका डायग्राम सही से बना करके, ये वृत्ताकार पथ है और ये जो अल्फा कण है, कई अल्फा कण इसमें से सीधे निकल जाते हैं, कई विक्षेपित हो जाते हैं। देखते हैं ये देखेंगे, ये रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग है जिसमें अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। तो इसमें अधिकांश अल्फा कण यानी कि अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं, इनका कोई विक्षेपण नहीं होता यानी कि ये मुड़ते नहीं हैं, सीधे ही चले जाते। और कुछ पहला प्रेक्षण क्या हुआ? बिना
विक्षेपित हुए, बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए, बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण आंशिक विक्षेपण आंशिक विक्षेपण करते हुए निकल गए, लेकिन एक कण 20,000 में से एक अल्फा कण ₹180 के कोण से विक्षेपित होकर पुनः उसी दिशा में आ जाता है, 20,000 में से एक कण। तो इनके जो प्रेक्षण थे वो सोने की पतली झिल्ली पर हुए, और वो क्या देख रहे हैं कि इनमें से अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए, कुछ अल्फा कण आंशिक विक्षेपण के द्वारा सीधे निकल गए यानी कि ऐसे मुड़ गए, और 20,000 में से एक कण 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित होता है और वापस आ जाता है। हालांकि ये बहुत ही अनपेक्षित रहा ये प्रैक्टिकल, और अविश्वास तो खुद इनके शब्दों में, रदरफोर्ड के शब्दों में क्या था कि ये इतना मतलब अविश्वास का पात्र था कि हम एक 14 इंच का तोप का गोला, 14 इंच का तोप का गोला, 14 इंच का तोप का गोला है और उसे टिश्यू पेपर पर मारें तो वो उससे टकराकर वापस हमें ही चोट पहुंचा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये अनपेक्षित रहा। और वैज्ञानिकों के द्वारा, इनके खुद के द्वारा भी, ये खुद के शब्दों की है ये बात, ये खुद के द्वारा कही गई बात रदरफोर्ड की। तो इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकला वो क्या था वो देख लेते हैं। निष्कर्ष देखेंगे कि बिना विक्षेपित वे जो सीधे निकल गए थे, ये प्रयोग है, प्रेक्षण है इनका, अब इनके आधार पर निष्कर्ष देखेंगे। सीधे निकल गए इसका मतलब है जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है यानी कि खोखला होता है। कैसा होता है? खोखला होता है। दूसरा, कुछ कण आंशिक विक्षेपण के द्वारा मुड़ जाते हैं यानी कि विक्षेपण होता है उनमें, तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग है, वो धनावेशित होता है। वो क्या होता है? धनावेशित होता है, क्योंकि ये जो विक्षेपण हुआ इन कणों पर कोई ना कोई प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है, अतः हम कह सकते हैं कि परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो धनावेशित है, पूरा खोखला नहीं है, अधिकांश भाग खोखला है। और तीसरा क्या था कि जो परमाणु का जो आयतन है, वो धनावेशित, जो धनावेशित भाग है उसका भी आयतन, तो उसकी तुलना में इसका आयतन, परमाणु का आयतन यहाँ ले लेते हैं 10^-10 मीटर, और धनावेशित जो आयतन है जिसे नाभिक कहा, उसका आयतन है 10^-15 मीटर। तो जो धनावेशित गोले का आयतन है जिसे नाभिक कहते हैं, तो नाभिक का आयतन यहाँ है 10^-15 मीटर, और परमाणु का जो पूरा आयतन है वो 10^-10 मीटर। तो ये इन्होंने निष्कर्ष निकाले ये प्रैक्टिकल करके। तो इन्होंने लास्ट में इन निष्कर्षों के आधार पर जो परमाणु का मॉडल दिया वो हम देख लेते हैं एक बार। उन्होंने ये मॉडल दिया, बीच में ये धनावेश और ये किनारों पर
इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। तो इन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने ये बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इसका जो मध्य भाग है वो धनावेशित होता है और धनावेशित भाग नाभिक में रहता है और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार कक्षों को कोश कहा गया है, पथों को कक्षा या कोष कहा गया है। ये वृत्ताकार जो पथ है इनको कक्षा या कोष कहा गया है। तो ये मतलब रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है, इन्होंने नाभिक के बारे में बताया और नाभिक ये धनावेशित भाग होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं। ये जो इनका मॉडल था ये एक प्रकार का सौर मॉडल था। सूर्य के जिस प्रकार से ग्रह चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसे सौर मॉडल भी कहा गया। तो इस प्रकार से इन्होंने नाभिक के बारे में ज़्यादा बताया, लेकिन इनकी कुछ कमियाँ थी। इनकी कमियाँ क्या थी कि एक तो ये परमाणु की जो संरचना है उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाए, दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रॉन की संरचना व संख्या व इसके कक्ष इनको स्पष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जाएंगे, मैक्सवेल का सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते जाएंगे तो सर्पिलाकार में इनकी ऊर्जा कम हो जाती है और ऊर्जा कम हो जाती है तो सर्पिलाकार आकार में ऐसे ऐसे करके ये नाभिक की ओर आ जाते हैं। तो ये परमाणु संरचना को समझा नहीं पाया, जबकि आज का जो परमाणु सिद्धांत है परमाणु उसमें इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बाद में बोर ने बताया। तो इनकी ये दो कमियां थी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।